हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक्नोलॉजी पे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप पौरव। और फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको एक पेटीएम की ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल मोबाइल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पेटीएम की ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। आप फ्रेंड्स देखते होंगे कि पेटीएम ऑफर देता है कि नया यूजर अकाउंट क्रिएट करे ना, आप नया अकाउंट क्रिएट करिएगा और उसमें एक प्रोमो कोड अप्लाई करिएगा, वो भी जो वो दे देता है। जैसे अभी फ्री 20 चल रहा है, फ्री 10 चल रहा है, उसको यूज करके आप फ्री में आपके डीटीएच या मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, सिर्फ न्यू यूजर। ठीक है, तो आज जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ उसमें फ्रेंड्स, यदि आप पहले इस ट्रिक को यूज कर चुके हैं, जो नया अकाउंट करके फ्री 20 फ्री 10 को यूज कर सकते हैं, तो आप फिर से यूज कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट 2 या 3 महीने का होना चाहिए, 2 या 3 महीने पहले पुराना होना चाहिए, 2 और 3 महीने ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका पहले 2 या 3 महीने पहले आप अकाउंट बना चुके हैं और आप यूज भी कर चुके हैं एक आध प्रोमो कोड फ्री वाला, तो फ्रेंड्स आप फिर से यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा विद प्रूफ के साथ, है ना फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट है, उसी में फिर से अप्लाई करके बताऊँगा। जैसे मैंने पेटीएम ओपन किया, पेटीएम आप प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लेंगे, पेटीएम ऐप्स ओपन हो रहा है। इस पर मैं साइन इन कर लेता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। ये मेरा पुराना अकाउंट है, बहुत पुराना है। अब मैं इसी अकाउंट पे फिर से मैं फ्री 10 यूज करके बताऊंगा कि आप फिर से कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं, आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट है, मैंने जो किया है, अभी ऑर्डर में बताता हूँ कि मैं इसको पहले यूज कर चुका हूँ। देख फ्रेंड्स, मैं इसमें रिचार्ज भी कई कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं बताऊँगा आप इसको, मैं क्या कर देता हूँ फ्रेंड, साइन आउट कर दिया। अब साइन आउट करके पेटीएम पे थोड़ा क्लिक करा रहूँगा और अबाउट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके उसका क्लियर डेटा कर दूंगा। क्लियर डेटा कर दिया। ठीक है, अब फिर से पेटीएम ऐप जाऊँगा और जहाँ से लॉग इन करते हो ओपन करूँगा उसको, नहीं साइन अप पेज ओपन करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया, प्रोफाइल साइन इन और साइन अप का रहता है। तो फ्रेंड्स, आप साइन इन नहीं साइन अप करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा जिस नंबर ओल्ड मोबाइल नंबर पहले ही अकाउंट बना चुका हूँ 2-3 महीने पहले, उसी से फिर से मैं अकाउंट क्रिएट करके बताता हूँ। वही मोबाइल नंबर था, आप चेक कर लेना है। और यहाँ ईमेल ऑप्शनल रहता है, आप एंटर करो या नहीं। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और साइन अप करूंगा उसी मोबाइल नंबर से साइन अप। देखिए फ्रेंड्स, अब ओटीपी सेंड कर रहा है। जो मेरा पुराना है ना अकाउंट था, अभी मैंने आपको साइन इन कराया था, उसी नंबर से मैं फिर से क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स आ गया, ओटीपी भी आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी में डला हुआ है पेटीएम का। ठीक है, इसको डन कर दूंगा। अब यहाँ पे नेम चूज कर लूँगा, कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ, नहीं तो जो पुराना अकाउंट था। ठीक है, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे,
आप यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंफर्म में क्लिक करेंगे तो ये पॉप अप्स आएंगे कि ये बोल रहा है कि मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये बोल रहा है अनदर पेटीएम अकाउंट एग्जिस्ट विद दिस मोबाइल नंबर, बोल रहा है दूसरा अकाउंट इस अकाउंट नंबर से पहले ही से ही एग्जिस्ट है। क्या डिड यू क्रिएट एन अकाउंट विद दिस मोबाइल, क्या आप इस मोबाइल नंबर से सच में क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट। अनदर पेमेंट की आपको इस पे लिखना है एस आई डिड। अब यहाँ हाँ स्किप पे कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे देख सकते हैं अलर्ट आ रहा है, बाय डूइंग दिस द नंबर विल बी एडेड टू योर अकाउंट, प्लीज कंफर्म यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यू हैव सक्सेसफुली क्लेम्ड द मोबाइल नंबर, ठीक है, इस पे ओके कर देंगे। अब आपका बन गया नया अकाउंट उसी नंबर से, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें एडमिन यहाँ पर चल रहा है अभी करंट पे, तो मैं एडमिन ही का बताता हूँ, ठीक है। अब 10 रुपये अभी यहाँ देख सकते हैं पेटीएम बैलेंस 0 है, तो यहाँ 10 रुपीज़ एंटर किया और एडमिन ही यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है। आप देख लेंगे जो भी ऑफर चल रहा होगा आप कर उस जिस दिन आप करेंगे उस दिन जो ऑफर चल रहा हो आप सर्च कर लेंगे, उस ऑफर को यहाँ डाल देंगे। अभी जैसे गेट 10 का चल रहा है, गेट 10। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। देख फ्रेंड्स अप्लाई हो गया, बोल रहा है कि 24 आवर में आ जाएगा बोलता है, बट ये तो तुरंत दे देता है। अब एड मनी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एड मनी पे क्लिक किया, आप कंप्लीट योर पेमेंट बता रहे हैं। देख फ्रेंड्स सक्सेस हो गया है ना, 10 रुपये आपके। आप मैं चेक करके भी बताता हूँ कि आपके अकाउंट में आए नहीं। एड मनी पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ऊपर दिखाने लगेगा पेटीएम बैलेंस 10 रुपीज़ दिखाने लगा। और फ्रेंड्स मैसेज भी आ गया कि पेटीएम हैज एडेड 10 इन योर वैलेट, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स आप पुराने यूजर्स हैं हाँ, और इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आपका अकाउंट 2 या 3 महीने पुराना होना चाहिए, उस पर आप फिर से क्रिएट अकाउंट करके वो पॉपअप्स होते हैं उसको आप ऐसा एडिट करके ओके ओके करते जाएगी और इसको आप क्लेम कर सकते हैं, मीन्स ऑफर यूज कर सकते हैं, ऑफर बहुत आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपको। आप यदि पेटीएम को यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, आपको फ्रेंड को ही बताएं कि कैसे आप इस ट्रिक को यूज करके फिर से पैसे कमा सकते हैं एड बैलेंस, और इस मनी को आप अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को, और मेरे चैनल मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।